हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मायका होम टूर। तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है मेरे मायका का घर। और ये ना, मतलब आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है घर का, तो इसी वजह से माइंड मत करना, काफ़ी मेसी लगेगा अंदर से घर। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन जब चलता है तो आपको पता ही होगा कि कितना मेसी हो जाता है। धूल मिट्टी, ये वो सारी चीज़ें घर में आती है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मेसी है। और ये लोग काम भी नहीं कर रहे उस पर। मतलब जब ये सारा कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा तो पूरा घर सेट करेंगे, और उसके बाद का भी एक मैं होम टूर आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और जो बचा था, और ना फर्नीचर का भी थोड़ा सा काम बाकी है इनका। तो जब फर्नीचर का काम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपके साथ पूरा जो होम टूर है एक बार और शेयर करूँगी, जब भी कभी आऊँगी यहाँ पे। काफ़ी कम आना होता है मेरा मायके में, क्योंकि बच्चों की स्कूल होती है और बच्चों को छुट्टियाँ वगैरह नहीं रहती है। अभी 2-3 दिन की कंटिन्यू छुट्टियाँ थी, तो इसी वजह से मेरा आना हुआ और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो, जो जैसा भी है, जो भी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी एक बार आप ये लुक देख लीजिए, फिर बाद में मैं आपको अच्छे से, जब बन जाएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छे से ये सेट कर लेंगे, तो उसके बाद मैं एक बार और शेयर कर दूँगी आपके साथ मेरा मायका, मतलब जो मायके का घर है। तो इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर भी मेसी ही था थोड़ा सा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर पानी वानी के लिए टंकी वगैरह ये वो, तो यहाँ पर एक विंडो है, और सारी चीज़ें ऐसे ही ये रहने दे रहा है, क्योंकि ना अभी क्लीन करना ही है एक बार हो जाने के बाद। तो इसी वजह से ये लोग टेंशन भी नहीं ले रहे हैं, जैसा है वैसे में ही रह रहे हैं। तो हम लोग ना खेत में, आप लोगों को बताया था कि भंडारा था, तो वहाँ से आए थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ ये होम टूर शेयर कर देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे मतलब टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक लिविंग रूम है छोटा सा, मतलब छोटा सा मीन्स अटैच ही है यहाँ पे ये डाइनिंग रूम और लिविंग रूम, और ऊपर सीढ़ियाँ जाती है, ऊपर टेरेस तक ये सीढ़ियाँ जाती है। ऊपर का भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। तो ये है डाइनिंग रूम, और यहाँ पर एक डाइनिंग रखा है, 4 सीटर डाइनिंग है, और उसके ऊपर एक भगवान की फ़ोटो है, और इस तरह से POP वगैरह है, बट POP भी इनकम्प्लीट है। तो इस वजह से आपको जो भी दिखेगा थोड़ा सा इनकम्प्लीट ही दिखेगा। तो यहाँ पर एक मतलब बेसिन लगाया है डाइनिंग के पास, और ये एक रूम है, तो उसमें कॉटन भर रखा है पूरा, मतलब वो रूम पूरी कॉटन से भरी है। खेत का कॉटन आया था खेत में से, तो वो भर के रखा है, वो मतलब बेचना ही है अभी बाकी। तो यहाँ पर किचन है, तो किचन कुछ इस तरह से है। मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी शूट कर लिया था, क्योंकि मुझे मुझ में भी एनर्जी नहीं थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा शेक कर रहा है। यहाँ पर भगवान का मंदिर है। मैं आराम से एक बार और शेयर कर लूँगी आपके साथ जो होम टूर है मेरा। और किचन का फर्नीचर अभी तक नहीं बना है, तो किचन का भी, किचन भी थोड़ा सा मेसी है। तो जैसे है मम्मी वैसे ही रहने दे रही है। मैं आते ही मैंने थोड़ा सा रिएक्ट किया था इस पे ही कि मम्मी इतना मेसी क्यों दिख रहा है घर। तो मम्मी बोली कि यहाँ पर मतलब कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, उनको भी देखना पड़ रहा था, और इधर भी मतलब हो नहीं रहा था उससे काम। तो इसी वजह से वो बोल रही थी कि ऐसे ही मेसी रहने दिया, जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब पूरा क्लीन कर लेंगे। तो इसी वजह से ये इस तरह से किचन है, और उसके बाद फिर इधर आते हैं तो यहाँ पर एक और रूम है। ये मम्मी पापा ही ज़्यादातर यहाँ पर रहते हैं, तो ये रूम है, और यहाँ पर भी मेसी था, हम लोग ऐसे ही छोड़ के चले गए थे खेत में। तो इस तरह से है ये रूम, और मतलब ये भी थोड़ी सी छोटी सी रूम है, मतलब नीचे ना 3 रूम है, और एक आपने देख ही लिया यहाँ पर एक और रूम है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले हम लोग सीढ़ियों पे चलते हैं और ऊपर जाते हैं। तो ऊपर ऊपर मेरे दोनों भाइयों की रूम है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा धूल वगैरह दिखेगा आपको, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इसी वजह से मैं आपको बार बार वही बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग में से काफ़ी लोग सपोर्ट करने वाले होंगे, और काफ़ी लोग बोलेंगे कि इतना मेसी। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार वही बता रही हूँ, क्योंकि निगेटिव कमेंट करने वाले मतलब होते हैं इसी वजह से। और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए टेरेस के लिए रास्ता है, मतलब टेरेस के लिए सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पर अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक हॉल है बड़ा सा। तो आप देख सकते हो इस तरह से एक हॉल है, और यहाँ पर 2 विंडो है हॉल की, और इस तरह से यहाँ पर कलरिंग वगैरह नहीं किया है घर को। कलरिंग और सारी चीज़ें मतलब फर्नीचर वगैरह हो जाएगा, उसके बाद भी एक होम टूर होगा आपके लिए, और उसके बाद मैं अच्छे से आपके लिए एक होम टूर शेयर करूँगी। और बार बार मैं यही क्यों बता रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और हाँ, यहाँ पर एक गैलरी है, तो उसका डोर जो है ओपन नहीं हो रहा था, काफ़ी कोशिश की मैंने, बट वो जाम हो चुका था, तो इसी वजह से मैंने विंडो से आपको वो दिखा दी गैलरी। तो ये है एक हॉल की गैलरी। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 2 बेडरूम हैं, तो ये दोनों भाइयों के बेडरूम हैं। और ये सबसे पहले मैं छोटी की बेडरूम दिखा देती हूँ आपको, तो वो भी थोड़ी सी मेसी है, थोड़ी सी मीन्स बहुत ज़्यादा मेसी है। तो
क्योंकि ऐसे ही उसने क्लीन वगैरह नहीं किया था, ऐसे ही हम लोग छोड़ के चले गए थे खेत में। तो यहाँ पर उसके कपड़े वगैरह दिखेंगे, यहाँ पर वार्डरोब है, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है बनाया हुआ, और वहाँ पर बड़ा सा बेड है, और उसके बाद इस तरह से रूम है उसकी। वहाँ पर गैलरी है, मैंने आपको दिखाई नहीं गैलरी, ये जो डोर है वो गैलरी का डोर है, बट मैंने मतलब शूट करना ही भूल गई मैं, तो इसी वजह से यहाँ पर दो विंडोज़ हैं, और अंदर यहाँ पर ना टॉयलेट बाथरूम है, तो अंदर से आप टॉयलेट बाथरूम भी देख लीजिए, वो भी थोड़ा सा मेसी दिखेगा आपको, बट मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ क्योंकि जैसा है वैसा आप देख लीजिए अभी। तो यहाँ पर है, और अंदर से मतलब यहाँ से निकलते हैं अंदर, तो सामने ही एक और बेडरूम है, तो वो बड़े भाई की बेडरूम है, वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो रहता है पूना में, तो इसी वजह से उसकी वाइफ और वो उधर ही रहता है, तो यहाँ पर काफ़ी कम आना होता है उन लोगों का। तो फिर भी ये जब वो जब भी आता है यहाँ पर ये बेडरूम यूज़ होती है, वरना ये बेडरूम बिल्कुल नहीं यूज़ होती है, तो हम लोग यहाँ पर सोए थे तो ऐसे ही पड़ा था सारा। और ये है वो बेडरूम, तो कुछ इस तरह से सेम ही बेडरूम है, मतलब जैसे छोटे वाले के बेडरूम है वैसे ही सेम फर्नीचर, सेम बेडरूम, सेम मतलब जगह, मतलब साइज़ भी सेम है, और गैलरी भी सेम है, बाथरूम की टाइल्स भी सेम है, सभी सेम है। तो यहाँ से सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों में कि उधर मतलब उसके रूम से पीछे का व्यू दिखता है और इसके रूम से आगे का व्यू दिखता है घर का, तो यहाँ से आगे का व्यू आपको दिखेगा, तो ये नीचे का सारा कुछ आपको दिखेगा यहाँ से बड़े वाले के बेडरूम से, और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, और उसके बाद वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, और ये ट्रैवल्स का उसका बिजनेस है छोटे वाले का, तो जो ट्रैवल्स का काम चल रहा था वो ट्रैवल्स यहाँ पर जो काम चल रहा था वही ट्रैवल्स लाके खड़ी कर दी थी। फिर हम लोग बेडरूम के अंदर आते हैं, तो आपको बाथरूम भी इसकी दिखा देती हूँ मैं, सेम ही है, सेम ही टाइल्स है, सारी सारा कुछ सेम है, फिर भी मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से बाथरूम है इसकी, तो इनकी ना ये जो रूम है वो यूज़ ही नहीं होती है, तो इसी वजह से ये रूम बंद ही रहती है, बट कभी हम लोग जाते हैं तो हम भी बहुत कम जाते हैं और वो भी काफ़ी कम आता है यहाँ पे, तो वो एक दो दिन के लिए आ जाता है, तो उस टाइम तो इसी वजह से उसका भी इधर उधर आना जाना होता है, मतलब रिलेटिव से मिलना वगैरह, तो इसी वजह से यहाँ पर घर पे रहने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, फिर भी वो निकालता है टाइम, तो यहाँ पर इस तरह से उसकी रूम है। फिर हम लोग बाहर निकलते हैं, तो ये हॉल तो आपने देख ही लिया, अब हम लोग जाते हैं ऊपर मतलब टेरिस पे, तो टेरिस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, टेरिस भी थोड़ा सा काम ही चल रहा था तो टेरिस का, तो वो भी वैसे ही दिखेगा आपको। तो हम लोग टेरेस पे जाते हैं, थोड़ा सा मैं थक भी गई थी इतना शूट करने के टाइम, और इसी वजह से ये सारा जल्दी जल्दी मैंने शूट किया, और थोड़ा सा मतलब स्लो कैमरा चलाना था, तो इसी वजह से ज़्यादा शेक कर रहा है कैमरा, तो फिर भी आपको समझ में तो आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा रूम कहाँ पे है। तो ये है टेरेस का डोर, तो हम लोग टेरेस पे आते हैं, तो टेरेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी इन्होंने ने जो बची हुई टाइल्स है वो लगवाई है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो घर में लगाई है टाइल्स, तो वो बच गई थी, तो जो जो टाइल्स बच गई थी यहाँ पर लगवा दी है, तो मतलब इससे क्या होता है कि वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है ये, जैसे हमने ऊपर के फ्लोर पे भी पीओपी करवाई है, तो पीओपी के लिए क्या होता है कि पानी मतलब उसको पानी नहीं लगने देना होता है, तो इसी वजह से वाटर प्रूफिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए इन लोगों ने ना ऊपर भी ये टाइल्स लगवा ली है, तो जो जो बची थी टाइल्स लगवा ली है, क्लीनिंग के लिए भी सही रहता है और वाटर प्रूफिंग भी हो जाती है, तो इस तरह से इनका टेरेस है। और फिर हम लोग बस टेरेस इस तरह से है, और टेरेस काफ़ी बड़ा निकला है इन लोगों का, हमारा ना टेरेस थोड़ा सा कम निकला है क्योंकि हमने शो में ही ज़्यादा जगह हमारे घेर ली है, तो इसी वजह से हमारा टेरेस काफ़ी छोटा है। इनके टेरेस पे काफ़ी मतलब छोटा मोटा प्रोग्राम भी हो सकता है, छोटा मोटा मीन्स अच्छे से प्रोग्राम हो सकता है, कोई फंक्शन हो या मतलब घर पे क्या बोलते हैं बर्थडे वगैरह हो, तो ये हो सकता है वहाँ पे ऊपर टेरेस पे। तो और इनके यहाँ पे ना महालक्ष्मी वगैरह भी मतलब मेरे ससुराल में भी होती है और मेरे मायके में भी महालक्ष्मी का प्रोग्राम होता है, महालक्ष्मी बिठाई जाती है, तो इसी वजह से उसका जो खाना होता है वो हम लोग टेरेस पे ही रखते हैं या ऊपर वाले यहाँ पर हॉल में, तो इसी तरह से वो टेरेस उन्होंने बड़ी बड़ी ही रखी है, तो शो वगैरह कुछ भी नहीं किया है उसमें। तो यहाँ पर फिर हम लोग नीचे जाते हैं, तो नीचे तो आपको आपने देख ही लिया, बट मैं आपको और एक रूम जो है बची हुई तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो नीचे जैसे ही टेरेस की सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पर एक डाइनिंग है आपने देख लिया, उसके बाद ये जो रूम है सीढ़ियों के आमने सामने एक रूम है ये वाली, तो ये वाली रूम जो है वो स्टोर रूम बनाई है, तो ये स्टोर रूम में भी काफ़ी कबाड़ा है, मतलब जो भी अभी दिख रहा है सामान वो स्टोर रूम में भर दे रहा है, जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा, जब पूरा अच्छे से होगा तब ये पूरा क्लीन होगा। तो यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम है कॉमन वाली, तो बाथरूम में आपको दिखा देती हूँ, लैट्रिन नहीं दिखाऊंगी,
तो ये कुछ इस तरह से है। कॉमन लैट्रिन बाथरूम, साइड में लैट्रिन है और यहाँ पर मशीन रखी है, यहाँ पर बेसिन है हाथ धोने के लिए। तो इस तरह से है मेरे मायके का घर। आई होप आपको पसंद आया होगा।